अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ टीएम मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमर्शियल किचन बस। आज मैं जो रेसिपी आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी और हेल्थ बेनिफिशियल रेसिपी है। हमारे यहाँ बहुत कम बनाई जाती है, बहुत ही रेयर रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ही यमी बनती है। आज हम इसे अपने तरीके से बनाएंगे, जो कि यकीनन बहुत ही ईजी तरीका है और आप लोगों को यकीनन पसंद आएगा। बेसिक इन्ग्रीडियंट्स के साथ बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। हमेशा की तरह एक पॉट ले लेंगे और उसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ कप ऑयल और तकरीबन 100 ग्राम के करीब प्याज। हम इसे पर नर्म कर लेंगे, याद रहे इसे हमने ब्राउन या डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन नहीं करना, हमने इसे सिर्फ सॉफ्ट करना है। और जब ये प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट। तो ये देखें दोस्तों, प्याज हमें नरम हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट और इसे हम थोड़ा सा भुनेंगे ताकि अदरक और लहसुन का और हरी मिर्च का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे गोश्त। ये मेरे पास बीफ हड्डी के साथ है, हाफ के जी क्वान्टिटी के अंदर। आप इसे अगर 1 kg में बनाना चाहते हैं तो आप तमाम इन्ग्रीडियंट्स की स्पाइसेस की क्वांटिटी डबल करते हैं। प्रोसीजर रेसिपी मेथड यही है। और गोश्त शामिल करने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे। जितना अच्छा हम गोश्त भूनेंगे उतना ये टेस्टी और जायकेदार होगा। तो दोस्तों, गोश्त हमारा भुन चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि इसका टेम्परेचर लो हो और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ड्राई स्पाइसेस। करने के बाद हम इसे गोश्त के साथ अगेन तकरीबन 7 से 8 मिनट भुनेंगे, जब तक कि हमारा मसाला गोश्त के साथ बिल्कुल जब जान नहीं हो जाता और हमारा मसाला अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता। तो ये देखें दोस्तों, हमारा मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 कप पानी। 2 कप पानी शामिल करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करके हम इसे कवर कर तकरीबन 30 से 35 मिनट पकाएंगे ताकि हमारा जो बीफ है वो 70-75% डन हो जाए। तो मिलते हैं 35 मिनट के बाद। तो दोस्तों, 35 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, हमारा गोश्त जो है तकरीबन 70% डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चुकंदर। चुकंदर शामिल करने के साथ ही हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून शुगर शामिल करेंगे। शुगर शामिल करने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत इन्हांस हो जाता है। और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे अगेन कवर कर तकरीबन 20 मिनट पकाएंगे ताकि जो गोश्त का हमारा थोड़ा बहुत उसके अंदर जो 20-25% कसर रह गई है वो और साथ में चुकंदर, ये दोनों सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो दोस्तों, 20 मिनट हो चुके हैं। आइए देखते हैं हमारा गोश्त, चुकंदर गोश्त किस पोजीशन के अंदर है। तो ये देखें दोस्तों, बहुत अच्छे से हमारे चुकंदर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और गोश्त भी हमारा तकरीबन गल चुका है। इसमें हल्का हल्का पानी सा महसूस हो रहा है। इसको हम तेज आंच के ऊपर 5 मिनट के लिए दोबारा भुनाई करेंगे ताकि ये जो पानी एक्स्ट्रा है ये खुश्क हो जाए और इस रेसिपी का, इस चुकंदर गोश्त का टेस्ट भी बहुत अच्छा डेवलप हो जाए। तो दोस्तों, हमारा चुकंदर गोश्त ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और उसके बाद हम इसे हरे धनिए से, फ्रेश कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। गार्निश करने के बाद हम इसे आपको डिश आउट करके भी दिखाएंगे इसका फाइनल लुक कैसा नजर आता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हूं शेफ टीएम मलिक, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।